उन्होंने बोला पहले आप 15,000 करोड़ का काम करके बताइए, फिर आप 18,000 करोड़ का काम करके बताइए, फिर आप 22,000 करोड़ का काम करके बताइए, इसका निकलीकरण नहीं होगा। वो चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया, जहां 10,000 करोड़ का काम होता था हमने 15,000 करोड़ के करीब ले गया। अचानक सरकार का परिवर्तन हो गया, 10,000 करोड़ से जब आप 15,000 करोड़ तक कर सकते हैं तो 22,000 करोड़ हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, हमारे मेरे मुकाबले इस देश के अंदर में कोई भी ऐसा पहले सेक्टर नहीं है जो हमारे जैसा उच्च तकनीकी का हथियार बना पाए। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को समझना बहुत जरूरी है। मेक इन इंडिया क्या है और मेड इन इंडिया क्या है? तो मेड इन इंडिया वो है जो एक निर्माणी से 41 निर्माणियां इस देश के अंदर पैदा हो, और मेड इन इंडिया क्या है? तो हमारा मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया, बिहार के अंदर में 29 एकड़ जमीन दे दिया उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को हथियार बनाने के लिए। 2015 में 190 एकड़ जमीन दे दिया रिलायंस को। किसकी जमीन है वो? आपकी जमीन है। वो किसानों से उन्होंने कम दाम पे जमीन दिया, आपका पैसा लगाया उसको, नारे पानी को लेकर छोड़ उसको बनाया, और ट्रेड यूनियन का अधिकार नहीं है, आपको रहने का अधिकार नहीं है वहां पर। बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, उसको पानी सस्ता, उसको बिजली सस्ती, उसको सड़क मुफ्त में, उसको बैंक से कर्जा। जब उसको आप दे सकते तो हमको क्यों नहीं दे सकते? हमको क्यों काम के लिए मोहताज बना के रखा? आज क्यों निर्माणी के अंदर में केजुअल लेबर आ रहा है? वो निर्माणी में आने वाला जो मजदूर है वो सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं है? आपका पीएस सरकारी कर्मचारी है, डिफेंस सेक्रेटरी सरकारी कर्मचारी है, आप कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारी संपत्ति से आप वहां पर बैठते हैं, पूरी दुनिया में घूमने के लिए आपके पास समय है। आइए हम बुलाते हैं, हमारी निर्माणी में आइए, बताइए हमको उस प्राइवेट सेक्टर से हमारी निर्माणी किस मामले में कम है? हम किसी भी मामले में कम नहीं होंगे। पूरे दुनिया के अंदर में ये देश की सबसे ताकतवर सबके पैसे वाली सरकार है हमारी, क्यों जानते हैं आप? क्योंकि सरकार के पास कोर माइंस है, सरकार के पास बैंक है, सरकार के पास रेल है, सरकार के पास तमाम वो संसाधन है उसके ऊपर में सरकार का कब्जा है। इसलिए आपको मुफ्त शिक्षा मिलना चाहिए, इसलिए आपको मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए, इसलिए आप सरकार की जिम्मेदारी है। आज पानी बॉटल जो बिक रहा है क्यों बिक रहा है? तो देश की आम जनता इस बात को समझ नहीं पाई। आज अपने पैसे में अपने चीज खरीद रहे हैं, अब पानी अपनी है, ये लड़ाई अब अपनी है, ये अपने परिवार की लड़ाई है, और ये लड़ाई का ऐलान हमने इस मंच से कर दिया है। जलना नहीं है, लड़ना है, जो लड़ेगा वो जीतेगा। ये इतिहास बताता है हमारे पूर्वजों ने 1300 साल इस देश के अंदर में लड़ाई दी, कुर्बानियां दी, अपनी जान की बाजी लगाई है। फांसी पे लड़ाए शगत पतित सिंह 22 साल की उम्र में आजादी, वो आजादी हमको मिली। आज सत्ता में जो बैठे लोग, कितने लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, मुफ्त में इनको मिली है सार्वजनिक संपत्ति, उसको चला नहीं पाते आप। चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली बन के इस देश की रक्षा संस्थानों को बेचने का जो घृणित कार्य सरकार कर रही, उसका निषेध करते हैं, और उसके खिलाफ में कल सुबह से हमारा यहाँ पर आंदोलन का कार्यक्रम जारी है। मैं तमाम साथियों को अपील करता हूँ, ऐसा अवसर मत दीजिए कि किसी को हम बोले कि भाई नारेबाजी को आ जाओ। अगर आपको लगता है कि निर्माणी आपकी माँ है तो आपको कल सुबह खुद होकर खड़े होकर नारेबाजी लगाना है, जैसा आपने 23, 24, 25 जनवरी को इस देश के अंदर में हड़ताल किया। किसी को रोका था क्या किसी ने? क्या था आपका मुद्दा? आपका दो ही मुद्दा था, एक मुद्दा था मुझे वर्कलोड मिलना चाहिए, दूसरा मुद्दा था मुझे पेंशन मिलना चाहिए। आप तमाम लोगों ने तो हड़ताल किए हो, और वो जीता है आपने, एक मुद्दा जीता है आपने, वर्कलोड आपको मिला है, पेंशन नहीं मिली। वो पेंशन की लड़ाई भी हमारी रहेगी, अब वर्कलोड तो मिल गया, हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? रोज सुबह घूमते रहता फोन किधर बैठा है। हमारे नेताओं को बोला आप लोग काम करिए, नेताओं के कारण फैक्ट्री आगे नहीं बढ़ती। हमने बोला हम भी है काम पे, हम भी काम पे आ गए। अब हम प्रशासन को पूछना चाहते हैं कि निर्माणी का 3,000 मजदूर अगर काम कर रहा है तो मटेरियल और टूल क्यों नहीं है? किसका जिम्मेदारी है मटेरियल टूल लाना? ये आपका जिम्मेदारी है मटेरियल और टूल लेके आइए। ये किसका जिम्मेदारी है कि पीस वर्क मजदूर को मिलना चाहिए? आपका जिम्मेदारी है।
आपको याद